दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NIMR रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 61 प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 16,000 रुपये से लेकर 31,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और न्यू दिल्ली होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसी है, वहीं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 के लिए 6 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 के लिए 44 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा, DMLT या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ डिप्लोमा और DMLT क्या होना जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डीएन क्लर्क के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 31,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 के लिए आपको मिल जाएगी 16,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 31,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 17,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 16,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 साथ ही स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 पोस्ट की और डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट की, तो इसके लिए आपकी आयु 25 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल वॉक इन इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 3 अप्रैल 2023 को। वहीं वॉक इन डेट इंटरव्यू के लिए 27 अप्रैल 2023 रखी गई है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेट वाइज वॉक इन डेट इंटरव्यू के लिए क्या रखी गई है, तो ये आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू डिटेल यानी किस जगह पर आपको विजिट करना है इंटरव्यू के लिए, तो इसे भी आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।